अगला सवाल मुंबई से अभिजीत वेलापुरे का है। इन्होंने साल 2018 में एक बैंकिंग ऐप के जरिए केरल सरकार को 2000 रुपए का डोनेशन दिया था। अभी तक इनको कोई रसीद नहीं मिली है। तो अभिजीत ने ऑनलाइन के जरिए भी कोशिश की, पर वहां भी अंडर प्रोसेस ही दिखाया जा रहा है। तो जानना चाहते हैं कि अब ये जो वित्त वर्ष है 2018-19, इसमें इस डोनेशन की राशि पर टैक्स छूट कैसे क्लेम कर पाएंगे। देखिए प्रियंका, ऐसा है कि आज की तारीख में आप जब इनकम टैक्स रिटर्न अगर ऑनलाइन अपलोड करते हैं या फिजिकल कॉपी फाइल करते हैं, आपको कोई भी पेपर अटैच नहीं करना पड़ता है। तो इन्होंने चूंकि डोनेशन दिया है, डोनेशन ये क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशंस को दिया है, तो आप अपना इनकम टैक्स का रिटर्न में क्लेम कर दीजिए। और जब अगले जुलाई 31 तक रिटर्न भरने का टाइम आएगा, तब तक हो सकता है आपको उसकी रिसीट भी मिल जाएगी। और अगर रिसीट नहीं भी मिल पाती है, परंतु अगर आप सब्सटेंशिएट कर सकते हैं कि आपने ये केरला फ्लड के लिए ये डोनेशन दिया था, तो मेरे हिसाब से आपको ये डिडक्शन मिलने में कोई तकलीफ नहीं होगी। और वो आपको डॉक्यूमेंट या प्रूफ वगैरह तो तब बताना है जब आपका केस डिटेल्स है स्क्रूटिनी के लिए सिलेक्ट होता है। नॉर्मली एक छोटी सी अमाउंट के लिए आपका केस सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी नहीं के बराबर है।